गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर वन या यूनिट नंबर वन नंबर सिस्टम के ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सभी छात्र ध्यान दें कि इस वर्ष शासन ने 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रखे हैं, तो सभी छात्रों को ऑब्जेक्टिव पर मुख्य अपना फोकस रखना है, और क्योंकि यही आपके लिए स्कोरिंग रहेगा। तो इन क्वेश्चंस को आपको डेली के डेली नियमित बनाना, नोट्स बनाना है, और इनको हम यह प्रोसेस समझाएंगे कि इनके आंसर, सही आंसर हमने किस आधार पे चुने हैं। तो इसको ध्यान रखें और इसके नोट्स आपको रेगुलर बनाना है। यदि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से अध्ययन कर लिया तो हमारी गारंटी है कि आपको कम से कम आप परीक्षा में सभी क्वेश्चंस को, अधिकांश क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो यहां देखें क्वेश्चन नंबर वन, इसमें हमको 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या बताना है। तो अगर 0 और 50 के बीच में विषम संख्या कौन कौन सी होगी, 1, 3, 5 और 49, तो इनकी संख्या कितनी होगी, इसके लिए आपको समांतर श्रेणी का यह फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a+(n-1)(d). इसमें लास्ट टर्म में 49, फर्स्ट टर्म में 1, n-1 और d का मान है 2, तो यह आ जाएगा आपका n-1=2 आ जाएगा 48/2=24, तो n=25। तो आंसर सही क्या है आपका, n=25। तो कौन सा आंसर होगा सही, 25। क्लियर। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 5, 15 और 20 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात। तो 5 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1/5। 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 3/5। और 20 के 4/5। तो इसमें आपका महत्तम समावर्तक, तो महत्तम समावर्तक क्या होता है, वह संख्या जो पांच तीनों संख्याओं में कॉमन हो। तो तीनों संख्या में कॉमन क्या है, 5। तो महत्तम संख्या हो जाएगा 5 और लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा आपका जो संख्या है उनका गुणनफल, तो कितना हो जाएगा, 5/4/3, तो जो हो जाएगा 60। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि लघुत्तम समावर्तक अपॉन महत्तम समावर्तक, लघुत्तम 60 है और महत्तम 5 है, तो जो हो जाएगा 12/1। तो आंसर क्या सही रहेगा इसका, 12:1, ये सही आंसर है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा, ये हमको इसमें अपरिमेय नहीं है, कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, तो हम यहां देखते हैं डी वाला, √121=11, यह संख्या अपरिमेय नहीं है, तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। दो संख्या, चौथा क्वेश्चन, दो संख्याओं ए और 18 का लघुत्तम समावर्तक 36 और महत्तम संख्या 21 है, तो ए का मान ज्ञात करिए। तो हमको मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनफल = लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, यह सब फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर इस फार्मूले में हमको ए का मान ज्ञात करना है और बी का मान 18 दिया हुआ है, और लघुत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है, 36, और महत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है, 2, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 36/2/18, तो मान कितना हो जाएगा, 4, तो ए का मान क्या है, सही मान 4। क्लियर।
इसी प्रकार से यदि पीओक्यू दो अभाज्य संख्याओं तो उनका मातम समार्थक, तो हमको पता है कि अभाज्य संख्याओं में का जो मिनिमम फैक्टर जो होता है एक होता है, तो इसके लिए इसका मान क्या आ जाएगा, वन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, दो, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है चार, तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, आठ। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाए अथवा एक का भाग जाए। तो आप देखेंगे कि 29 एक ऐसी संख्या है जिसमें या तो स्वयं का भाग जाता है या एक का जाता है। 3.27, तो हम यहां देखते हैं कि 3.27 का बार है, तो इसका मान आएगा 327, तो यह आ जाएगा आपका एक परिमेय संख्या के रूप में, हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका आंसर सही परिमेय संख्या है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, तो सम संख्या को हम इस रूप में लिखते हैं 2m के रूप में। निम्न में से कौन सी अपरिमेय नहीं है, तो हम यहां देखते हैं कि रूट 64 अपॉन 81 तो कितना हो जाएगा आपका, इसका कितना हो जाएगा, 8/9, यह परिमेय संख्या है, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है। क्लियर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 12 क्वेश्चन, सिक्स अपॉन 15, तो अगर हम इसको भाग देते हैं तो 0.4 आता है, तो यह क्या है आपका, शांत है, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ए। 13 में 4 - √3, एक √3 क्या है, अपरिमेय है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो हम यहां देखते हैं इसका आंसर सी होगा, क्योंकि √3 और √5 अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 11 जो है अभाज्य संख्या होगी। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, अनंत होती है। क्लियर। 11/15 का 10वां प्रसार होगा, तो आप 17वां क्वेश्चन देखेंगे, 11 में आप 15 का भाग दे दीजिए, तो 15 कितना हो जाएगा, 7वां जाएगा 5, फिर हम इसमें 3 बार जाएगा, फिर इसमें 5 बचेगा, फिर 3 बार, तो हम यहां देखते हैं कि यह जो इसका आंसर जो है 3-3 अनंत बार रिपीट हो रहा है, तो यह अशांत में कैटेगरी में आएगा। क्लियर। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो हम यहां देखते हैं कि इसमें सभी संख्याएं, शायद इसमें सी वाले में ऐसा लिख रहा होगा √2 × √5 ऐसा लिखा होगा, तो इस केस में सी होगा, क्योंकि इन सबके रूट सॉल्व हो रहे हैं। 64/36 इसका कितना हो जाएगा, 8/6, और इसका मान कितना होगा, 9, और इसका कितना हो जाएगा, 7/3, तो यहां पर
या शायद ऐसा होगा कि रूट टू इंटू रूट फाइव होगा, यदि इस केस में होगा तो ये सी होगा। रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, आपको सभी को पता है, दो या दो से अधिक आवास संख्याओं का महत्तम समापक, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर एक होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किस परिकलित करने की तकनीक है, तो इसके द्वारा हम महत्तम समवर्तक ज्ञात करते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको सभी लोग बच्चे ध्यान रखेंगे, क्लियर। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें हम देखते हैं कि डी को अगर हम सॉल्व करें, कौन सा क्वेश्चन है ये, 26, तो हम यहां देखते हैं रूट 75 अपॉन रूट 48, तो हम देखते हैं ये 25 इंटू 3 और यह हो जाएगा आपका 16 इंटू रूट 3, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हो जाएगा 5√3 अपॉन 4√3, √3 √3 कैंसिल हो गया, 5/4। तो हम यहां देखते हैं कि इसमें डी जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें आप आंसर ये लगा दीजिए, √3 और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सा दसवां प्रसार शांत होगा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यदि इसका पूरा तरह से डिवाइड होता हो तो वह शांत होगा और अदरवाइज शांत नहीं, तो इसको अलग सब कुछ चेक करना पड़ेगा कि कौन सा, तो आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। यह जो संख्या है एक, इसमें हम देखते हैं 2.1211 ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब हम 30वां क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में √3/√12, तो यह आ जाएगा √3 और इसमें 4 कॉमन निकल गया, 2√3, तो 1/2, तो इसमें ये एक किसके बराबर होगा, एक परिमेय संख्या के रूप में होगा। अब हम 31 देखते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है, तो यह मान अपरिमेय होगा या एक परिमेय संख्या होगी 32वें में, क्लियर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए (35) a = bq + r में r का मान जो है वो क्या होता है, b से कम होता है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, c। इसमें अब अगला देखते हैं 5√3, तो √2 अपरिमेय संख्या है इसलिए इसका आंसर ए होगा। यह एक 37 क्वेश्चन जो है ये एक परिमेय संख्या होगी, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजाती है, तो इसमें हम देखते हैं √11 यह होगा इसका आंसर, कौन सा निम्न में कौन सा परिमेय है, तो परिमेय में आप देखेंगे सी, कौन सा क्वेश्चन नंबर है 39, 39 में √16/25, 4/5, तो यह इसका आंसर यह हो जाएगा।
निम्न में कौन अलग है? तो हम यहां देखते हैं इसमें जो डिफरेंट है वो इसका संख्या 0.32 पी के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप यहां देखेंगे 41 में इसको अभी हमने x मान लिया 0.32 बार, तो हम यहां देखते हैं x इक्वल टू 0.3222 अनंत बार। तो इसमें यदि हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया 100x का, तो क्या हो जाएगा जी 32.22 इनफाइनाइट टाइम्स। और इसमें से x को x कितना दिया हुआ है आपका 0.32, तो इसको हम घटाते हैं तो इसकी वैल्यू जो है 0.00 और ये 9 और इसका वैल्यू आ जाएगी 31 इक्वल ये कितना हो जाएगा 99x। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 31.9 अपॉन 99।